आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का अंतिम मुकाबला जो बंगलुरु के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में बैंगलोर गुजरात के विरुद्ध खेलेगी और जीत दर्ज करके क्वालिफाई करना चाहेगी। तो आज के इस वीडियो में इसी संबंध में कुछ रिकॉर्ड्स देखेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि क्या बैंगलोर ये मैच जीतेगी। इसका जवाब तो हमें रिकॉर्ड्स देखने के बाद पता चलेगा। रिकॉर्ड्स जैसे को पिच रिपोर्ट, पिच स्टेट्स और प्लेयर के स्टेट्स और अंत में ये सब देखकर विनर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिच के बारे में। चिन्नास्वामी में रात के समय मैच खेला जाएगा। ग्राउंड बैट्समैन को बहुत सपोर्ट करता है, स्पिनर को हेल्प मिलता है, मगर अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस वक्त ग्राउंड में बारिश हो रही है तो पिच में नमी रहेगी, स्पिनर को कोई मदद नहीं रहेगा, मगर शुरुआती ओवर में शमी, सिराज और पार्नेल को मदद मिलेगी। फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने यहां 40% मुकाबले जीते हैं, वही सेकंड बैट करने वाली टीम ने 53%। आज का मुकाबला भी चेसिंग टीम जीत सकती है। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो गुजरात पॉइंट टेबल के टॉप पर विराजमान है, तो वो बहुत सारे चेंजेस करके अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट देने की ओर ध्यान देगी। गिल, शाह, सुदर्शन, पंड्या, मिलर, तेवतिया, राशिद खान, मोहित शर्मा, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, शमी, इस मैच में शायद साई किशोर को मौका मिल सकता है। गिल, शाह, सुदर्शन, पंड्या को टीम में जरूर रखिएगा। शाह की जगह मिलर को ले सकते हैं। बॉलर में शमी और राशिद खान को लीजिएगा। पंड्या को कैप्टन न बनाने पर ध्यान दीजिएगा। अब बैंगलोर के प्लेइंग 11 की बात करें तो इस टीम के टॉप ऑनऑर्डर के बल्लेबाजों को टीम में रखिएगा, जैसे फाफ डुप्लेसिस, विराट, मैक्सी और बॉलिंग ऑप्शन में सिराज, पार्नेल अच्छा विकल्प रहेंगे। ब्रेसवेल, विजय शंकर और लिटिल ग्रैंड लीग में रिस्क लेने के लिए अच्छे विकल्प होंगे। बैंगलोर चेस करते हुए इस मैच को जितना पसंद है कंफर्म रिपोर्ट टॉस के बाद दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें ज्वाइन हो सकते हैं, अन्यथा आप सर्च कर सकते हैं मोहिमा क्रिकेट एनालाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय क्रिकेट।